ओके तो रिसेंटली मैं गया था कसौली, जहाँ मैंने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक किया अपने कैमरा से, एंड मैंने अपने कैमरा का डेटा अभी तक नहीं देखा था, मतलब फोटो वाला स्पेशली। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ है, अराउंड 1300 फोटोज़ है, जिनमें से आज हम बेस्ट फोटो सेलेक्ट करने वाले हैं एंड एडिट करने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा अपना एडिटिंग का वर्क फ्लो दिखाता हूँ कि जब मैं शूट से आता हूँ ना, तो मैं अपनी फोटोज़ को कैसे सेलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं कौन सी बेस्ट फोटो सेलेक्ट करता हूँ एंड कैसे फिर उनको एडिट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना लाइट रूम क्लासिक, क्योंकि मैं वही यूज़ करता हूँ अपनी फोटोज़ को एडिट करने के लिए। तो ये रहा हमारा LRC। अब देखो लाइट रूम क्लासिक यूज़ करने का एक ही रीज़न है कि ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही क्लीन UI है इसका, एंड मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इसकी आदत पड़ चुकी है। तो लाइट रूम अंदर यहाँ पे हमें ना लाइब्रेरी में एंड अपनी इंपोर्ट करेंगे फोटोज़ को। ये रहा इंपोर्ट, एंड मैं पूरा फोल्डर पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। 2024 में चलते हैं, एंड देन हमारा कसौली का फोल्डर था एक, कहाँ गया रे बाबा, ये रहा कसौली एंड इसके अंदर फोटोज़, ये सारी फोटोज़ इसको करते हैं इंपोर्ट। मैं नॉर्मली ना बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करता हूँ, एंड उनमें से फोटोज़ को सेलेक्ट करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रखता हूँ अपना, किन फोटोज़ को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर हमारी सारी फोटोज़ इंपोर्ट हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं, पहले ये मास्टर की फोटोज़ है, इसको हम हटाते हैं, फिर ये बल्कि की फोटोज़ है। एंड इस फ्रेम पर हमने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक की थी, ये जो फ्रेम है पीछे, यहाँ पर चर्च दिख रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड मेरी भी एक फोटो थी यहाँ पर जिसमें उछल रहा था, यस ऐसा कुछ भी चल सकता है। बट हमने यहाँ पर एक ऐसे वाली फील लेने की कोशिश की थी, जैसे एक क्या बोलते हैं हैरी पॉटर मूवी में ऐसा सीन रहता है ना, एक चर्च है पीछे, बहुत ही ऐसे गॉथिक सा सीन है। मतलब इस फोटो से ऐसे स्पिरिट वाली वाइब आ रही है, जैसे मेरे अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं पहले रेटिंग के हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ पे देखो ये 4 स्टार 5 स्टार, तो जैसे अपने कीबोर्ड पे 4 दबाऊँ तो इसको 4 स्टार मिल जाएंगे। ठीक है आगे मूव करते हैं। जो भी फोटो मेरे को अच्छी लगती है पहले उनको रेट कर देता हूँ, फिर लास्ट में मैं रेटिंग वाली फोटो में से भी कुछ बेस्ट फोटो सेलेक्ट करता हूँ। ओके ये वाला फ्रेम भी था, इसमें देखो ऐसा लग रहा है कि मैं ज़मीन से ऊपर उठ चुका हूँ। ये हमने पूरी ऐसे स्पिरिट वाली वाइब देने की कोशिश की थी। डैम ये है पूरी फोटो, बट इसमें ना पीछे चर्च छुप गई, तो कोई और देखते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं। फिलहाल इसको 2 रेट कर देते हैं। कोई ऐसा फ्रेम हो जिसमें चर्च भी दिख रहा हो पीछे, जैसे ये डैम ये हो सकती है फोटो। इसमें मेरी आंखें भी वैसी लग रही है, बट इसमें ना ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये पीछे जो लाइन है ना एक, इसको हम रिमूव कर सकते हैं फिलहाल के लिए। इसको भी रेट करता हूँ 3। ये फ्रेम ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वाइड है बहुत ना, इसको भी हम एक बार रख सकते हैं, ये भी सही लग रही है। इसको भी 4 रेट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एंड हमारे पास सेकंड फ्रेम था ये वाला, जिसमें कि मैं जस्ट बैठा हुआ, तो ये तो आई थिंक अच्छी लग रही है फोटो ऐसी। इसको भी 4 रेट करते हैं। बाय द वे सारी फोटोज़ हमने सोनी के FX3 से क्लिक की है, मतलब तुम समझ रहे हो सिनेमा कैमरा से मैंने फोटोज़ क्लिक की है, क्योंकि मैं अपना दूसरा कोई कैमरा लेके गया था वहाँ पे, बस मेरे पास एक ही कैमरा था, वो भी हम वैसे लेके थे, हमारा कोई ऐसे शूट का प्लान नहीं था। फिर हमारे पास एक ये वाला फ्रेम भी है, ये भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था, इसलिए आई थिंक क्वालिटी बहुत ड्रॉप होगी फोटोज़ की। फिर एक हमारे पास ये वाला फ्रेम भी है जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा। एक हमारे पास ये वाला फ्रेम है, एंड ये फ्रेम भी है जिसके अंदर पीछे मस्त घर दिख रहा था एक, ये फोटो मेरे को अच्छी लग रही है। इसको हम 4 रेट कर देते हैं। ओके यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है मेरी फोटोज़ आई थिंक, के बाद मैंने कुछ क्लिक नहीं करवाई थी आई थिंक। ओके यहाँ पे एक फोटो और थी मेरी, यस ये फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, इसको भी रेट कर देते हैं। एंड आई थिंक यही हमारी सारी फोटोज़ थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर्स को ऑन करते हैं, एंड यहाँ से जस्ट रेटेड हमारी फोटो उनको ऑन करते हैं। तो हमने सेलेक्ट की है टोटल ये, ओके 9 फोटोज़, इसमें से भी कोई बेस्ट 2 या 3 फोटो उठाते हैं। ठीक है इस फ्रेम के लिए आई थिंक ये फोटो इज़ बेस्ट, एंड इसके लिए ये फोटो इज़ बेस्ट 2, एंड लास्ट 1 3। हमें 3 फोटो एडिट करेंगे। ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले अपनी इस फोटो से, आई थिंक ये बहुत बेस्ट लग रही है। एंड ये ए रॉ फॉर्मेट में हमने क्लिक की है, सोनी का जो रॉ फॉर्मेट है उसमें। तो डेवलप में चलते हैं एंड फोटोज़ को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो में लाइट्स को अप करूँगा, शेडोज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगा शेडोज़ को बढ़ाते हैं। एंड सी हमारी डिटेल्स वापस आ चुकी है, हाईलाइट थोड़ा कम करते हैं। ठीक है एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे फोटो में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन साइड लेके आना थोड़ा सा, ताकि ऐसे फॉग वाली वाइब आ सके। एंड इसको हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आई थिंक कम करेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा क्योंकि बिल्कुल ब्लू टोन लगेगी। इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ऐसी मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ फोटोज़ में, मेरे को खुद पता नहीं था मुझे क्या करना है, बस मैं करता रहता हूँ एंड वो चीज़ें हो जाती है। फिर इसको वाइब्रेंस करते हैं फुल, इससे हमारी फोटो में कलर्स थोड़े वापस आ रहे हैं। एंड सैचुरेशन थोड़ा सा कम करते हैं, डीहेज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम क्योंकि फोटो बहुत ज़्यादा हेजीनेस लग रही है फोटो में। एंड यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करते हैं, क्लैरिटी भी थोड़ी सी कम करते हैं ताकि फॉगी सी वाइब आ सके फोटो में। ओके अभी देखते हैं बिफोर आफ्टर, बहुत ही हल्का चेंज है लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। ये जैसे हमने करेक्शन कर ली है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें सिलेक्शन करते हैं, यहाँ से एक ग्रेडियंट बनाते हैं ये वाला, एंड जो हमारा ग्राउंड है ना इसमें थोड़ा सा फॉगीनेस ऐड करते हैं। सिलेक्शन तो हमने बना लिया, नीचे आते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे इसका क्लैरिटी थोड़ा सा कम करते हैं, हेजीनेस थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं, एंड इसका एक्सपोजर भी थोड़ा सा कम करते हैं। दैट्स इट, एक और बनाएंगे सर्कल अपने सब्जेक्ट के अराउंड। एंड जस्ट हम ऐसा एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइट का सोर्स आ रहा है, हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ से कुछ तो ऐसी लाइट आ रही है जो हमारे सब्जेक्ट तक पड़ रही है। ठीक है और वो बहुत ही सॉफ्ट है ऐसा, तो हम क्या करेंगे इसका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएंगे, एंड जो हमने यहाँ पे डीहेज कम किया था उसको वापस सेट कर देते हैं
थोड़ा सा बस हम क्लैरिटी कम कर लेते हैं एंड लेट्स सी थोड़ा सा डीएस को हम कम कर क्या होता है, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हम बिल्कुल कम -4 तक रखेंगे इसको। एंड इसके बाद आई थिंक हमें सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जब डीएस बढ़ाते हैं तो हमारी फोटो में से कलर्स थोड़े गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो वापस थोड़ा सा सैचुरेशन आ जाएगा। दैट्स इट। बाकी हमें यहाँ पे आई थिंक लेंस करेक्शन में आ गया, थोड़ा सा विनियटिंग इसमें डालनी चाहिए क्योंकि एजेस थोड़ी सी डार्क रहेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे आते हैं एंड विनियट, मिड पॉइंट छोटा करते हैं। ओके, अब आते हैं अपनी कलर ग्रेडिंग पर। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ से ह्यू वाली लेयर पे एंड जो हमारा ब्लू कलर का ह्यू है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा फॉगी साइड रखते हैं, इसका लुमिनेंस थोड़ा कम करते हैं ताकि थोड़ा सा डार्क लगे कलर्स हमारे। ओके, एंड जो हमारी स्किन का टोन है इसका थोड़ा सा लुमिनेंस बढ़ाते हैं, मतलब ऑरेंज टोन का, ठीक है। इसका ह्यू भी हम थोड़ा सा रेड साइड लेके जा सकते हैं। बाकी यहाँ से हम ये वाला टूल यूज़ करके अपनी स्किन टोन को परफेक्ट कर सकते हैं। तो स्किन का ह्यू हमारा ये है, ठीक है, इसको देखिए, आई थिंक हमें इस साइड रखना चाहिए, थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं स्किन का। एंड ओवरऑल इमेज में ग्रीन्स थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं तो ये यहाँ से कम हो जाएंगे। दैट्स इट। आई थिंक ब्लू थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ से ओवरऑल एक बार वाइब्रेंसी कम कर लेता हूँ पूरी इमेज की। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी डार्कनेस ऐड करते हैं फोटो में साइड से, जैसे ये साइड हमें थोड़ी सी डार्क चाहिए। सेम हमें एक ये साइड भी डार्क चाहिए ऐसे। अभी हम यहाँ पे ना लाइट का एक सोर्स दिखा सकते हैं, जैसे इन पत्तियों में जो लाइट आ रही है वो आ कहाँ से रही है, जैसे ऊपर की साइड से। तो हम यहाँ पे वापस एक और ग्रेडियंट बनाते हैं एंड देखो इस साइड से हमारी लाइट आ रही है सपोज, तो हम इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे ऐसे, फिर बिल्कुल कम रखेंगे एंड ऐसे एक्सपोजर बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है आई थिंक। तो पहले तो हम वाइट्स को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, एंड जो हमारी फोटो में बाकी के कलर्स हैं इनको हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, जैसे ग्रीन कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा फोटो में। ओके, तो ये ग्रीन हमने बिल्कुल कम कर दिया, ऐसा भी रख सकते हैं हम यार, ये भी अच्छा लग रहा है बिल्कुल ऐसे, बट आई थिंक इससे ना विंटर वाली वाइब नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे भूत वाली वाइब आ जाएगी इससे गॉथिक स्टाइल में, बट कर सकते हैं थोड़ा सा कम करते हैं एक्चुअली सैचुरेशन। बाकी यहाँ से हम लास्ट में एक काम करते हैं कि कैलिब्रेशन में जाके ना पूरी इमेज का जो ब्लू ह्यू है ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद आई थिंक यहाँ पे लाइट रूम में तो काफ़ी सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाते हैं हम इमेज का। एंड स्किन का टोन मुझे आज अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें काम करते हैं यहाँ से ना कुछ तो ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिससे स्किन परफेक्ट हो जाए। आई थिंक ब्लू कलर थोड़ा सा वैसा लग रहा है, टील लग रहा है ज़्यादा, ये सही है। और आई थिंक हमें थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ानी चाहिए। बाकी आई थिंक फोटोशॉप में बाकी काम हमारा हो सकता है, यहाँ पे लाइट रूम में तो इतना ही हो गया, बहुत है, मतलब हमारी फोटो यहाँ से यहाँ आ गई, इट्स अ बिग डील। इसको कहते हैं एडिट इन फोटोशॉप। अब देखो फोटोशॉप में मैं बेसिकली क्या करता हूँ, पहले अपनी फोटो की एक लेयर की कॉपी बना लेता हूँ कमांड जे करके, एंड इसको पहले मैं सबसे पहले क्रॉप करता हूँ अपने इंस्टाग्राम रेशियो के लिए। तो यहाँ पर आते हैं एंड 4:5 इंस्टाग्राम का रेशियो रहता है, ये मैंने क्रॉप कर लिया। ओके, एंड इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, जैसे ये फोटो थोड़ी सी टेढ़ी है एंड ये मुझे इस लाइन के थ्रू पता लग रहा है कि फोटो थोड़ी सी टेढ़ी है, डन। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके लिए हमें जनरेटिव फिल से थोड़ा सा चीज़ें फिल करनी है, जैसे मान लो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ एक ये वाला पॉलीगन लासो टूल लेके। ओके, एंड ये एरिया मुझे फिल करवाना है AI से, तो यहाँ पे हम जनरेटिव फिल जाएंगे एंड जनरेट, कोई भी कमांड नहीं डालेंगे, अपने आप ही अपने हिसाब से बढ़िया कर लेगा। सेम हम यहाँ से भी करेंगे जनरेट एंड येस, आई थिंक हमारी इमेज में काफ़ी बढ़िया से जनरेट कर लिया। जो पहले वाला पार्ट था ये थोड़ा सा पता लग रहा है, ये आई थिंक ज़्यादा सही है, फिर ये नहीं, यही सही है आई थिंक। ओके, सो ये हमारी इमेज जस्ट अभी स्ट्रेट हुई है, इसमें से हम फालतू पार्ट हटा सकते हैं, जैसे कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे यहाँ से लेते हैं ये लॉसर टूल एंड इसको गायब कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम ना डॉज इन बंद करके अपनी फोटो में बहुत ही मस्त एक डेप्थ डाल सकते हैं। फोटो में इतनी डिटेल नहीं है क्योंकि फोटो जस्ट 12 मेगापिक्सल की है एंड मैंने अपने सिनेमा कैमरा से क्लिक किया जो कि एक फोटो कैमरा नहीं है, तो इसलिए इसमें इतनी सारी डेप्थ नहीं आ रही है। बट इसमें हम कैसे अपनी लाइट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड एक 50% ग्रे की लेयर बनाते हैं, Shift+F5 करेंगे एंड इसको फिल करेंगे 50% ग्रे से, ठीक है, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे ओवरले। एंड अब हम करेंगे डॉज एंड बर्न, तो मैं नीचे के पार्ट को पहले बर्न करता हूँ, ये जो ग्राउंड है इसको हम बर्न करते हैं। ओके, मेक श्योर यहाँ से आपको मिड टोन पर रहे। ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रीज को बर्न करते हैं एंड पीछे जो चर्च है इसको भी थोड़ा सा बर्न करते हैं। अब आते हैं अपने कपड़ों पे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे एंड डॉज टूल। आपको लाइट की डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपकी लाइट आ रही है ऑलरेडी उसको ही बस आपको एनहांस करना है, जैसे इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो मैं बस इस पॉइंट को एनहांस कर रहा हूँ, समझ रहे हो। ओके, तो जस्ट हमने अभी थोड़ी सी लाइट पेंटिंग की है, आप देखिए
बिफोर एंड आफ्टर, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड हम थोड़ा सा ग्राउंड पे भी करेंगे लाइट पेंटिंग, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लाइट हिट हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। एंड अभी हम थोड़ा सा ना चर्च के पार्ट पे भी थोड़ा सा डॉज बन करेंगे, यहाँ पे लाइट बनाते हैं थोड़ी सी। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे करनी होती है तो आप शिफ्ट दबा के एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ऐसे लाइट ड्रैग कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैंने किया एंड शिफ्ट दबाया एंड ये देखो स्ट्रेट लाइन वापस आ गई। देखो डॉज बन का काम होता है बेसिकली आपकी लाइट को एनहांस करना, जहाँ से लाइट ऑलरेडी आ रही है मतलब उसको बस थोड़ा सा और बढ़ाना, ठीक है। और ऐसे फेक लाइट ऐड करोगे तो वो बहुत बेकार लगेगा, तो जिस पार्ट पे ऑलरेडी ब्राइटनेस है हमने बस उसको ही ब्राइट किया है। तो ये हमारी जस्ट इसमें अभी लाइट पेंटिंग हुई है, इसको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर आपको। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, काफ़ी सही हमारी थोड़ी सी ना व्यूअर्स की जो है आइज़ यहाँ पर जा रही है, फेस पे भी थोड़ा सा जाते हैं लाइट पेंट, थोड़ा सा यहाँ पे डॉज करते हैं फेस को, यहाँ पे ऐसे शेप बनाएंगे जॉ लाइन वाली, थोड़ा ज़्यादा हो गया। एंड अब इसको लेके आते हैं एक बार कैमरा रॉ के अंदर, कमांड शिफ्ट अल्ट ई करेंगे सारी लेयर की, एक न्यू लेयर बन जाएगी। एंड जस्ट आएंगे यहाँ से फिल्टर्स के अंदर एंड यहाँ से आते हैं कैमरा रॉ। एंड अब हम क्या करेंगे ना बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करेंगे, सब्जेक्ट करते हैं सिलेक्ट एंड इसको करते हैं इनवर्ट एंड बैकग्राउंड का एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क करते हैं, बिल्कुल हल्का सा। ओके एक और हम यहाँ से ग्रेडियंट बनाते हैं एंड सब्जेक्ट के पीछे हल्का सा हम फॉग सा डालते हैं, यहाँ से हम सब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारा ये सिलेक्शन आ चुका पीछे का। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे डी एस बढ़ाते हैं एंड सही है, लुक एट दिस बिफोर आफ्टर विच इज़ गुड। एंड अब लास्ट में हम कर्व टोन पे आते हैं, हल्के सी ब्लू टोन डालते हैं शेडोज में एंड हाईलाइट के लिए थोड़ी सी येलो टोन एंड ग्रीन टोन को इमेज से थोड़ा सा लेस करते हैं। तो देखिए अभी बहुत सही लग रही है फोटो बिफोर एंड आफ्टर, फोटो में ब्लैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लिप हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ब्लैक का पार्ट बहुत ज़्यादा क्लिप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा फेड ऐड कर देंगे पूरी फोटो में ऐसे एंड हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड देखिए बिफोर आफ्टर विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। ओवरऑल यहाँ पर हमारी पूरी इमेज रेडी है, इसका देखिए बिफोर ये था एंड आफ्टर हमने ऐसा बना लिया। अब आते हैं अपने इस नेक्स्ट इमेज पे एंड इसको एडिट करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्त फ्रेम है इसका, थोड़ा सा टेढ़ा है फ्रेम एंड स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे फोटोशॉप में। पहले करते हैं एक्सपोजर को थोड़ा सा हाई एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा कम, हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम एंड शेडोज को भी थोड़ा सा कम। अब देखो यहाँ पे ना फॉग है पूरी फोटो में, इसलिए इस फोटो को एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से अपना डी एस थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये नॉर्मल फोटो बन जाएगी। देखिए फॉग वापस गायब हो चुका है, तो जब भी आपकी फ़ोटो में फॉग हो तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा कम करेंगे, क्लैरिटी भी थोड़ा कम करेंगे एंड वाइब्रेंस बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने करेक्शन कर दिया, बहुत ही सही ये थी फ़ोटो एंड ये हमने इसको ऐसे बना दिया। अब इसकी ग्रेडिंग भी करेंगे, पहले तो आते हैं यहाँ पर एंड यहाँ से ना ग्रीन कलर का सैचुरेशन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम फोटो में, बिल्कुल डी सैचुरेटेड टोन चाह रहा हूँ मैं ऐसे। ओके एंड यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ाएंगे ब्लू का एंड ब्लू का ह्यू चेंज करेंगे इस साइड। तो देखिए स्किन हमारी थोड़ी सी येलो लग रही है, मतलब ज़्यादा रेड लग रही है, तो रेड कम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे ह्यू एंड इस साइड ले आएंगे। शेडोज फोटो में कम लग रहे हैं, शेडो बढ़ा दें थोड़ा सा, तो ये देखिए डी एस थोड़ा और बढ़ाएं अगर तो सही लग रही है फोटो। अभी हम थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ाएंगे एंड टेम्परेचर जो है थोड़ा सा प्लस के साइड लेंगे, हल्का सा टिंट को भी हल्का सा ग्रीन साइड लेके आएंगे एंड यस ये भी हमारी इमेज ऐसी लग रही है। इसमें हम क्या करेंगे रेड टोन में थोड़ा सा शेडोज डालेंगे और ये ब्लू कर देंगे इसको थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे पूरी विंटर वाली वाइब्स आ रही है इससे। इसमें हम क्या करेंगे तीन पॉइंट्स बनाएंगे ब्लैक शेडोज एंड हाईलाइट के एंड इसको थोड़ा सा कम करेंगे शेडोज को, यहाँ से थोड़ा सा फेड डाल देंगे शेडो के लिए एंड हाईलाइट को थोड़ा सा ऐसे अप कर देंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पर ये हमारी जस्ट हल्की फुल्की ग्रेडिंग हो चुकी है, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, अब लेके चलते हैं इसको फोटोशॉप में एंड वहाँ पे पहले से इमेज को सीधा करते हैं एंड थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। एडिट इन फोटोशॉप एंड इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, पहले इसको 4x5 में ऐसे क्रॉप कर लेते हैं एंड इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँगा, ये स्टेयर्स जो टेढ़ी लग रही है तो आई थिंक ये इसकी पोजीशन है। फोटोशॉप के नए ये जनरेटिव फील की वजह से ना किसी भी इमेज को आप जैसे आपकी टेढ़ी इमेज है उसको सीधा करना भाई बहुत ही ईजी हो चुका है,
जस्ट ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं एक, मतलब फ्रेमिंग की जो दिक्कत रहती है ना पहले, वो आप एडिटिंग में इजीली सुधार सकते हो। मेरी मोस्टली इमेजेस जो आप देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, वो उतनी वाइड रहती नहीं, मैं उनको थोड़ा सा और वाइड करता हूँ AI से जनरेट करके, और वो पता भी नहीं लगता। देखो कितना बढ़िया इसने जनरेट किया है, इस साइड से भी करते हैं ऐसी। ओके सो लुक एट दिस बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही बढ़िया इसने मैनेज कर दिया। आई थिंक थोड़ा ऊपर का बाटा हमें और जनरेट करना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूँ इसे, ताकि ऐसे मस्त हमारा थर्ड पे आए फोटो। एंड यहाँ पे ऐसे जनरेट करवाते हैं AI से। सो दैट्स इट, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड फाइनल इमेज हमारी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बन चुकी है, मतलब जनरेट करके बहुत ही सही लग रही है। अब इसमें करते हैं कैमरों में बाकी सारी एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर आते हैं, एंड अप करेंगे अपनी सेलेक्टिव एडिटिंग। तो कैमरा फिल्टर में आते हैं, एंड पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करते हैं। यूजुअली मैं यही करता हूँ ताकि हमारी इमेज ना थोड़ी सी स्टैंड आउट करे बैकग्राउंड से। तो देखिए अच्छी लग रही है। एक और मास्क बनाते हैं, एंड ओवरऑल जैसे यहाँ से लाइट की डायरेक्शन दिखाने के लिए ये मास्क है, ऐसे थोड़ा सा लाइट करेंगे इसको, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, एंड ये सही है। अब हम एक और मास्क बनाएंगे, नीचे से थोड़ा डार्क करते हैं इसको, एंड इसकी क्लैरिटी बिल्कुल कम कर देंगे ताकि मस्त ऐसे ग्रेडियंट जैसा लगे, टेक्सचर भी कम कर देंगे। दैट्स इट। तो ये देखिए अभी तक हमारी इमेज ऐसी लग रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अभी आते हैं एक बार कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से जो हमारी शेडोज हैं इनको थोड़ा सा डार्क करते हैं ऐसे, बिल्कुल हल्का सा। एंड शेडो के लिए कोई भी हम कलर टोन चूज कर सकते हैं ऐसे। ओके तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है ऐसे एस्थेटिक से बिल्कुल। एंड हाईलाइट के लिए भी एक कलर चूज करते हैं, अच्छा लग रहा है। मिड टोन के लिए भी कुछ आप चूज़ कर सकते हो, मुझे ये रेड टोन अच्छी लग रही है इस फोटो में, मतलब थोड़ी सी रेड एंड डीसैचुरेटेड सा रेड है ना। अभी देखिए पूरी इमेज में ना थोड़ा सा नॉइज़ भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है डीनॉइज करेंगे इसको। तो नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करते हैं, ये रहा हल्का फुल्का डीनॉइज इसने कर दिया, जो कि सही है। ओके इसको ओके करते हैं, एंड आप देखिए बिफोर आफ्टर कैमरा होगा, बिफोर आफ्टर सही लग रहा है। अभी इसमें हम थोड़े से ग्रेडियंट डालेंगे ताकि हमारी ये इमेज ओवरऑल थोड़ी सी सॉफ्ट हो सके, ठीक है। तो एक न्यू लेयर बनाते हैं, एंड ग्रेडियंट चूज़ करते हैं, एंड यहाँ से एक डार्क कलर चूज़ कर लूँगा मैं, जैसे ये डार्क ब्लू सा, एंड जस्ट देखिए ऐसे एक लेयर बनाते हैं ऐसे, थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट करते हैं ऐसे। ओके अच्छा लग रहा है ऐसे। इसके बाद हमारी स्किन पर थोड़े बहुत पिंपल्स हैं, इनको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे, जैसे कि ये है हमारा हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं इसको, एंड सी ये हमारे पैचेस को गायब कर देगा। ओके इसके बाद मैं एक और चीज़ अपनी फोटो में करता हूँ, वो ये कि मैं थोड़ा सा डॉज बन जरूर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं, एंड शिफ्ट F5 दबाते हैं, 50% ग्रेसेस को फिल कर देते हैं, ब्लेंडिंग मोड रखते हैं, ओवरले, एंड वापस से अपना लेते हैं बर्न टूल। तो मेरे कपड़े यहाँ पे थोड़े ब्राइट लग रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी शेडो ऐड करूँगा, जहाँ जिस पार्ट पे शेडो ऑलरेडी है, जैसे यहाँ अंदर लाइट नहीं पड़नी चाहिए, नीचे भी लाइट नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ पे लाइट नहीं पड़नी चाहिए, जो पार्ट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था, वहाँ पे आपको ऐसे फिल कर देनी है शेडोज। एंड अब लेते हैं एक हाईलाइट के लिए डॉज टूल, एंड जो पार्ट थोड़ा ब्राइट होना चाहिए वहाँ पे हम ऐसे डॉज कर देंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे लाइट की एक लाइन बन रही है। ये हमारी इमेज ऐसी यहाँ पर बन चुकी है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉग अपना ज़रूर से वापस ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पूरी इमेज में थोड़ी सी फील आए फॉग वाली। तो मैंने एक ब्रश इंस्टॉल कर रखा है फॉग वाला, उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, स्मोक ब्रश अभी इसके लिए। तो ये देखिए कोई सा स्मोक एक लेते हैं यहाँ पे, इसको वाइट रख देते हैं, एंड दिस अब इसको हम बड़ा करके ब्लर कर देंगे, तो ये फॉग का काम करेगा। ओके ये हमारे यहाँ पे फॉग बन चुका है रेडी, इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे, एंड ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने स्मोक फैला दिया यहाँ पे, गोशन ब्लर एंड हल्का सा ब्लर, एंड ऑल्सो इसमें हम थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, एंड इसका जो फिल है कलर ओवरले है, इसको थोड़ा सा ब्लू शेड ले आते हैं, एंड ये देखिए हल्की सी ओपेसिटी कम करते हैं, एंड देखिए बिल्कुल फॉग हमारा यहाँ पर रेडी है। इसी को हम आप कॉपी करके नीचे भी लेके आ सकते हैं अगर आपको किसी और पार्ट पे फॉग चाहिए। सो ये देखिए, एंड लेट्स सी हमारी पूरी इमेज बिल्कुल फॉगी बन चुकी है, ये देखिए बिफोर आफ्टर फॉग की वजह से कितना सही हमारी पूरी इमेज में ये लुक आ रही है। आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर फोटोशॉप में इमेज को काफ़ी हमने एनहांस कर लिया है। इस पर एक चीज़ मैं और करता हूँ, मैं हाईलाइट में ना थोड़ी सी ब्राइटनेस डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ एंड एक कर्व टूल में लेता हूँ, एंड इसको पूरा से बढ़ा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इसको जो है ब्लैक पार्ट से हटा के सिर्फ वाइट पार्ट तक रखता हूँ, जिसका जो इफेक्ट है
ये देखिए जैसे जो हमारी फोटो में वाइट पार्ट है, जैसे हमारा स्किन देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और हम इसको सॉफ्ट करते हैं यहाँ पे, अल्ट दबा के इसको तोड़ दें दो पार्ट में एंड इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, डिफरेंस बढ़ा दें दोनों के बीच का। अब आप देखिए वाइट पार्ट जो हमारे हैं ना वो और ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, देखिए हाईलाइट बढ़ गया पूरी इमेज में, तो ये ओवरऑल इमेज में काफ़ी अच्छे लगते हैं आप देखिए। यस, थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम कर लेंगे एंड सी हमारी इमेज पूरी रेडी। बाकी इस फोटो में मुझे एक चीज़ और लग रही है, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना ये हमारे सीन से मैच नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे बहुत ही फॉगी सिचुएशन है लेकिन पीछे बहुत ही मॉडर्न सी एक बिल्डिंग दिख रही है, तो लेट्स सी इसको हम AI से और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं कि इसमें हम कुछ और बना सकते हैं। लासो टूल लेते हैं यहाँ से एंड ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम पता क्या लिखते हैं, ट्री ब्रांचेस लिखते हैं, लेट्स सी। एंड ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आई थिंक अच्छा अगर हम इसमें थोड़ा सा ना इसको डीसैचुरेट कर दें तो, ये हमें आई थिंक बहुत पहले कर लेना चाहिए था ताकि ये पूरी इमेज के कलर के साथ ब्लेंड हो सके। ये बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है, ये आई थिंक अच्छा है बट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल ट्री ब्रांचेस, लेट्स सी। आई थिंक AI काम तो इम्प्रेसिव कर रहा है लेकिन हमें इसको पहले करना चाहिए था ताकि हमारे कलर्स मैच हो सके। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है बट ये भी थोड़ा सा फेक लग रहा है, इसका ही हमें और वेरिएशन निकालनी चाहिए। वापस एक बार जनरेट करते हैं, ये भी सही है, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, इसको हम एक बार को रख सकते हैं क्योंकि इसके कलर बिल्कुल मैच हो रहे हैं हमारे सीन से, बट ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बिल्कुल आ रहा है ना, थोड़ा सा साइड से होना चाहिए था। एक बार दोबारा जनरेट करते हैं, यस आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इससे क्या लग रहा है कि यही कलर हमारी फोटो में है एंड यहाँ से पीछे से फेड भी आ रहा है, तो इट्स परफेक्ट आई थिंक। आई थिंक इससे अच्छा तो ये है ना, सो दैट्स इट, आई थिंक ये इमेज हमारी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी। वैसे मैं मोस्टली एक दिन में एक ही फोटो कभी कभी एडिट करता हूँ एंड आज मैंने दो कर लिए, बाकी फोटोज को हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में एडिट करेंगे। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे अपनी फोटो या वीडियो को मैं खुद पर्सनली एडिट कर रहा हूँ एंड आपको बस एक वर्कफ्लो दिखा रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो।